हेलो दोस्तों, अनेक बार हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि कोई कानून कैसे बनता है, यानी कानून की क्या प्रक्रिया होती है। हम सभी लोग सुनते हैं, संसद ने कानून बनाया, विधानसभा ने कानून बनाया, द पार्लियामेंट हैज ड्राफ्टेड द लॉ और द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज मेड द लॉ। तो अनेक बार कानून बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट में समझेंगे कि कानून कैसे बनता है, यानी कोई एक्ट कैसे बनता है। अनेक अधिनियमों के नाम हम लोगों ने सुने, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये एक्ट कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले इसकी एक प्रक्रिया होती है और जो बनाने वाला हाउस है उसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। लेजिस्लेचर जिसे हिंदी में विधायिका कहते हैं। तो विधायिका एक ऑर्गन होता है जो कि कानून बनाता है, और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है और कानून बनाने वाले ऑर्गन की जो पावर्स हैं, ये सब हमारे देश के संविधान में बताए गए हैं। तो हमारे देश का संविधान, जिसका नाम है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत बताया गया है कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है। तो कैसे बनता है उसको समझने के पहले समझ लें कानून कौन बनाता है। तो कानून संसद बनाती है, यानी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, और दोनों के विषय अलग अलग होते हैं। केंद्र सरकार के अलग विषय हैं, राज्य सरकार के अलग विषय, और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया को। सबसे पहले कानून बनाने के पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, बिल जिसे हम विधेयक कहते हैं, विधेयक को प्रारूप भी कहा जा सकता है, एक कच्चा मसौदा होता है, एक रफ ड्राफ्ट होता है, यानी आप जो भी कानून बनाते हैं उसके पहले उसको रफली ड्राफ्ट कर दिया जाएगा। जो रफ ड्राफ्ट किया जाता है वो प्रारूप होता है, और इसी प्रारूप को बिल भी कहा जाता है और इसे विधेयक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इस बिल को बनाकर लेजिस्लेटिव हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब संसद में या विधानसभा में उस बिल को प्रस्तुत किया जाता है। पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट, उसे गजट में पब्लिकेशन करते हैं। उसके बाद सारे मेंबर्स उसका फर्स्ट रीडिंग, यानी प्रथम वाचन करते हैं। प्रथम वाचन जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसके द्वारा किया जाता है। जैसे किसी मंत्री ने कोई बिल लाया है तो मंत्री द्वारा उसका वाचन किया जाएगा, वाचन मतलब उसे पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद उसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। सिलेक्ट कमेटी एक कमेटी होती है जिसके माध्यम से वो उस बिल को उस ड्राफ्ट के हिसाब से रेडी करती है, जिस प्रकार का जो कानून का प्रारूप है। उसके बाद इसकी सेकेंड रीडिंग होती है, द्वितीय वाचन होता है, और द्वितीय वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। द्वितीय वाचन में ही बहस होती है, एक एक आर्टिकल पर, एक एक सेक्शन पर, एक एक क्लॉज के बारे में पक्ष विपक्ष के जो नेता लोग हैं वो उस पर क्या करते हैं, बहस करते हैं, और यही इंपॉर्टेंट होती है, यही इसका डिस्कशन होता है। और उसके बाद जब ये हो जाता है तो एक फॉर्मल रीडिंग की जाती है। थर्ड रीडिंग एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी मतलब एक बार फाइनली उसको देखा जाता है। फिर यही बिल जो है वो दूसरे हाउस में जाता है, यही प्रक्रिया अपनाता है, और दोनों जगह से यदि वो बिल पारित हो जाए, पारित का मतलब होता है दो तिहाई बहुमत, हमारे देश में दो तिहाई बहुमत की बात बताई गई है। यदि सदन के मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 का दो तिहाई लगभग 66.66 मतलब 67 लोग एक हाउस में 100 में से अगर उसको वोटिंग कर देंगे तो वो बिल पास हो जाएगा, और उसके बाद वो राष्ट्रपति की असेंट के बाद के लिए चला जाता है। यदि केंद्र का बिल होगा तो राष्ट्रपति की असेंट, और राज्य का बिल होगा तो गवर्नर की असेंट। यहां पर असेंट का मतलब है अनुमति, अनुमति मतलब जैसे ही वो उस पर क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, उस बिल पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो बिल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लॉ में कन्वर्ट होगा, और उस लॉ का नाम होता है एक्ट, यानी वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो यह मित्रों शॉर्ट में कानून बनने की प्रक्रिया। इसी प्रकार के अन्य लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।